हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं नाम हरिंदर कुमार और आप लोग देख रहे हैं एचके स्टडी चैनल। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मेरा सही वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाश का परिवर्तन, और उस पर हम पढ़ेंगे। वो क्लास टेंथ का है और वो क्लास टेंथ का सब्जेक्ट जो है मेरा फिजिक्स है। तो दोस्तों, इस पर आप गौर से ध्यान से पूर्वक देखिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा, एकदम समझ में आएगा और आसान से आसान भाषा में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं किस तरह बताते हैं, आप लोग यह वीडियो मेरा देखिए। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक क्या है पहले, प्रकाश का परिवर्तन, अर्थात अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, यहाँ लिख सकते हैं डिफिनेशन, इसका यहाँ लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। क्या होती है दोस्तों, लौट जाती है तो उसी लौटने की घटना को एक घटना है दोस्तों, ये घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, तो प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, इससे बताने से पहले हम एक बात और बताता हूँ कि प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश होता क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश होता है जब तक प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा नहीं, और वस्तु पर टकरा कर मेरी आंखों पर पड़ेगा नहीं तो वस्तु को हम कभी, किसी भी वस्तु हो, उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो प्रकाश एक माध्यम है, जब तक वो प्रकाश किसी वस्तु पड़ती है और वस्तु टकरा कर मेरी आंखों पर पड़ती है तभी वस्तु क्या होती है, दिखती है। जो वस्तु पर टकराएगी और उस वस्तु पर से प्रकाश जो टकरा कर मेरे आंखों पर पहुंचेगी तभी वस्तु मेरी क्या होगी, वो देखेगी। तो दोस्तों, प्रकाश के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य बता दे रहा हूँ। तो प्रकाश एक समझिए एक माध्यम होता है, जो किस वस्तु पे टकरा कर वो हमारे आंखों पर पहुंचती है तो वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। और बात, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है। कोई कहता है कि प्रकाश का है एक ऊर्जा का रूप है, सही बात है, ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। और बात, इसका तीसरा टॉपिक बता देता हूँ, वो भी एग्जाम में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यह कैसे पूछता है भी बता दे रहा हूँ। और प्रकाश एक तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, तीसरा टॉपिक बताता हूँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, उसे भी याद करिएगा। ये क्वेश्चन कहता है प्रकाश क्या है, उसमें ऑप्शन देता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कि पत्थर है कि ईटा है, जो भी हो चार ऑप्शन दे देगा, तो कौन चुनेगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे चुनिएगा। एकदम 100% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा, याद कर रखिएगा तो बढ़िया है, और आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते, टिक मार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तीन टॉपिक बता दिया, पहला क्या था, प्रकाश ऊर्जा का रूप है अर्थात ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा टॉपिक का बताया दोस्तों, प्रकाश एक माध्यम है और जिस वस्तु टकराता है उस वस्तु टकराने के बाद मेरी आंखों पड़ता है, आंखों पड़ने के बाद वस्तु क्या होती है, मेरी दिखाई देती है। तीसरा टॉपिक आपको बताया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसका, ये तो हो गया, अब बात करेंगे प्रकाश का परिवर्तन, कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो दोस्तों, ये डिफिनेशन जानिए क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है तो उसी लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कैसे, जब वस्तु पर क्या करेगी, टकराएगी तो मेरे आंखों पे पड़ेगी तभी ना हम वस्तु को देख पाएंगे, अर्थात टकराएगी और पुनः क्या होगी, लौट जाएगी और मेरे आंखों पर पड़ेगी
तभी क्या करेंगे वस्तु को हम देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश का परावर्तन उसी कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। तो उसी लौटने की घटना को एक प्रकार की घटना है, घटना लिखना पड़ता है दोस्तों। एक घटना लिखिएगा तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, घटना लिखना पड़ता है। तो उसी लौटने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ देख सकते हो सर, तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आगे मेरा टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। चलिए दोस्तों भी बताता हूँ, प्रकाश का परावर्तन का नियम ये क्या होता है दोस्तों, ये भी बता दे रहा हूं। प्रकाश के परिवर्तन का नियम, चलते हैं नियम पे इसका। ये क्या कहता है दोस्तों, जब प्रकाश, सेम वही डिफिनेशन, देखिए कुछ चेंज हुआ, जब प्रकाश किस वस्तु पर, जब प्रकाश किस नियम से जिस वस्तु पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। क्या दोस्तों, लौट जाती है। तो ऐसी घटना के नियम को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। यहाँ बताते हैं, यही कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले क्या कह रहा है, जब प्रकाश जिस नियम को, यही नियम है, जिस नियम को पालन करते हुए, अब नियम को पालन करेगी तभी क्या होगा, प्रकाश का परिवर्तन होगा। तो जिस नियम को पालन करते हुए जिस वस्तु पर टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। तो ऐसी घटना के नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। अब समझ में आया होगा दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या कहते हैं, यही कहते हैं। जो सेम डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, प्रकाश का परिवर्तन लिखिए नियम है, इसमें नियम का पालन करेगी, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अब आगे इसका टॉपिक देखेंगे, अब इसको नियम को जानेंगे। इसके दो नियम होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, आप लोग पूरा बताऊंगा। चलिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम को भी जान लें, वो कौन कौन होते हैं। आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और एकदम समझ में आएगा। इस फिगर को अगर समझ गए तो चुटकी हम उसको नियम को जान जाएंगे। तो दोस्तों आइए उसको नियम को पहले देखते हैं कि नियम क्या कह रहा है। उसको नियम को जानने के लिए हमें एक टॉपिक बना, वो टॉपिक को ध्यान दीजिएगा और एक फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा और आसान विधि में बताऊंगा। बस आप लोग जो ध्यान है, नज़र है, वह बोर्ड पर होना चाहिए दोस्तों। चलिए बता रहे हैं, दोस्तों ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह मान लीजिए, कोई कहता है समतल दर्पण, कोई कहता है परावर्तक सतह। मान लीजिए परावर्तक सतह मतलब वही हुआ,
जिस पर कोई भी प्रकाशिका होती है टकराती है लौट जाती है वही है। तो दोस्तों मानिए इसका सेंट्रल लाइन मानिए यहाँ पे, तो सेंट्रल लाइन अभी नहीं दे रहा हमको, सेंट्रल लाइन से मतलब नहीं हमको, पहले देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश जिस परावर्तक सतह पर माने कोई प्रकाश आ रही है, माने कोई प्रकाश उधर से आ रही है और जिस परावर्तक सतह पर टकरा रही है, जिस परावर्तक सतह पर टकरा रही है, देखिए दोस्तों इसे मान लेते हैं यहाँ कोई प्रकाश है और ये प्रकाश क्या हो रही है, प्रकाश परावर्तक सतह पर क्या हो रही है, टकरा रही है, क्या हो रही है, टकराई हो रही है। जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण, मतलब समझिए जो जब भी कोई किरण हो वह किरण क्या होती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है टकराती है, उसी का कहते हैं आपतित किरण। इसका नाम क्या रख देंगे दोस्तों, आपतित किरण, क्या रख देंगे दोस्तों, आपतित किरण। अब टकराने के बाद जब प्रकाश यहाँ पर इस पर क्या हुई, परावर्तक सतह पर टकराई और टकराने के बाद किसी दूसरे दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है, कहते हैं दोस्तों मुड़ जाती है, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब परिवर्तन होने के बाद मैंने टकरा कर, परिवर्तन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, टकरा कर किसी दूसरे दिशा में क्या हो गई, मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई। तो दोस्तों टकरा कर क्या हो जाएगी, टकराने के बाद मुड़ जाएगी किसी दूसरे में, किसी दूसरे दिशा में, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण, क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पे लिख देता है स्पष्ट समझ में आ जाएगा, परावर्तित किरण, क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। यहाँ पे देखिए फिर आपतित किरण मतलब जो किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण किसी परावर्तक सतह पर टकरा कर किसी दूसरे दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है, उसको कहते हैं परावर्तित किरण, यानी परिवर्तन होने के बाद दूसरे दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आइए दोस्तों आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच में क्या बन रहा है दोस्तों, अभिलंब, लंब डालेंगे तो क्या हो जाए, इसी का नाम है क्या, अभिलंब। अभिलंब क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां भी एंगल बन रहा है और यहां भी एंगल बन रहा है, दोनों एंगलों के बीच में क्या डाला गया, अभिलंब है, यहाँ सेंटर लाइन है, बिंदु है, बिंदु पॉइंट जिसको परावर्तक सतह है, इसे केंद्र है, कहाँ है दोस्तों, केंद्र है, यहीं पर टकरा रही है और पुनः दूसरे दिशा में क्या होती है, लौट जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, तो अभिलंब हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा अभिलंब हुआ। अब बात करते हैं, ये तो अभिलंब हुआ, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है उसको कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण, आपतन कोण। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके और इसके बीच में, यह लाइन और यह लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं। इसको सूचित करते हैं कोण आई से, आई से कोण आई से, और इसे भी बड़ा कहते हैं। और दोस्तों यह अभिलंब है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, क्या है दोस्तों, परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है ये क्या है दोस्तों, परावर्तित किरण है। तो ये मेरा तो अभिलंब हुआ और ये क्या हुआ दोस्तों, परावर्तित किरण। आई दोनों के बीच में जो क्या होगा, एंगल बनेगा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण, क्योंकि किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, टकरा कर दूसरी दिशा में मुड़ जा रही है, इसलिए परावर्तन कोण। और ये क्या हो रही है, आ रही है, तो इसलिए आपतित कोण, कि सेंटर पर आ रही है, कि परावर्तक सतह पर आ रही है। तो दोस्तों अब इसके नियम क्या होते हैं, नियम बताने से पहले नियम पहले बता देता हूँ, नियम समझ लीजिए, नियम क्या होते हैं। देखिए दोस्तों पहला नियम जो इसका जो होता है, ये मान लीजिए जो परावर्तक कोण है उसको आर से सूचित करते हैं, कोण आर से, किससे दोस्तों, कोण आर से, यहाँ पर दिखता होगा आप लोगों को, कोण आर से सूचित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे
पारा नियम क्या होता है? तो पारा नियम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखता होगा किसे लिखते हैं, पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम, पहला नियम लिख देते हैं दोस्तों। तो पहला नियम क्या होता है, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, क्यों दिख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्यों दिख रहा है ना, इसी पर पहला नियम बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपतित, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, कि समतल, ये समतल है, मान लीजिए क्या है, पहले बोले कोई समतल भी दर्पण बोला जाता है, समतल भी दर्पण लोग बोलते हैं, बहुत लोग इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, समतल दर्पण भी बोलते हैं, तो समतल है, क्या है, समतल है, तो किस समतल पर, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल, समतल पर, समतल, समतल पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, समतल पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों का होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल, समतल पर डाला गया अभिलंब, समतल पर डाला गया अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, चलिए दोस्तों एक ही तल पर होते हैं, कैसे होते हैं, ये मानिए मेरा समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, अवतल सतह भी कहते हैं इसे, और इस पर आपतित किरण भी है, अभिलंब भी है और परावर्तित किरण है, तो परावर्तन, परावर्तन, परावर्तित किरण भी है, यानी ये आपतित किरण, दूसरा का परावर्तित किरण और तीसरा का अभिलंब, ये तीनों का है दोस्तों एक ही तल पर है, तल कहो समतल कहो बात क्यों हुआ, एक ही तल पर का है, एक ही तल पर है, ये जो है इसी का नाम तल रखा गया, यहाँ पे तल रखा गया, इसी का नाम क्या रखे यहाँ पे, तल रखे हैं, इसी तल पर का है तीनों है, तो क्या लिखे हैं, पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण तथा समतल पर डाला गया अभिलंब, समतल पर डाला गया अभिलंब, तीनों, तीनों का एक ही तल पर है, एक ही तल पर है, क्या है दोस्तों, एक ही तल पर है, एक ही तल पर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आपको समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, तो क्या तीनों एक ही तल पर है। अब कहा है दूसरा नियम क्या होता है, वो भी आपको बता देता हूँ, दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, दूसरा नियम क्या होता है, वो भी गौर समझिए, वो भी आसान है, वो भी भाई नहीं है, आप खाली ध्यान दीजिए, आप दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, मान लीजिए ये आपतन कोण है, ये तो आपतन कोण है, ये क्या है दोस्तों, परावर्तन कोण, तो मानिए जो जो अभिलंब है समझे 90 डिग्री के एंगल पर है, और इसको जो सेंटर है, इस सेंटर से आपतित किरण है और इस सेंटर से परावर्तित किरण है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों का बन रहा है, ये दोनों का दिख रहा है, सेम सेम दोनों कोण का है, सेम सेम दिख रहा है, ये भी कोण आई और कोण आर का दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अभिलंब है, अभिलंब से सेंटर से खींचा गया आपतित किरण, और यहाँ देखिए अभिलंब है, इस अभिलंब से परावर्तित किरण है, तो दोनों का है, इधर और फिगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल किए, मान लेते जैसे त्रिभुज भी बना देते हैं आप लोग, त्रिभुज बना देते हैं लोग त्रिभुज भी, तो मानिए ये वाला त्रिभुज अलग, ये वाला त्रिभुज अलग, अब बताइए पहला, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज कैसे दिख रहा है आप लोगों को, सेम दिखता होगा, दाम सेम दिखता होगा, यह कोण और यह कोण का होगा, तब समान होगा, जितना यह होगा उतना यह होगा, मान लीजिए 50 डिग्री का है, ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, यही नियम है दोस्तों, तथा समझे ना, अपतन कोण और परावर्तन कोण का होंगे बराबर होंगे, कोण आई और कोण आर का होगा एक दूसरे के बराबर होगा, आप बता देते हैं इसका दूसरा नियम यही होता है दोस्तों, बस कॉमन सेंस यहाँ पर लगा दीजिए, दिमाग लगाइए, क्या लगाइए दोस्तों, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, एकदम समझ में आएगा, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे तब आपतन कोण, आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण के बराबर कौन सी होता है, बराबर परावर्तन कोण होता है ना, कोण आर,
परावर्तन कोण होता है? क्या होता है दोस्तों? परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? कोण आई से। इसके बराबर है कौन सी? कोण आर। मतलब कोण आर को किससे दर्शाते हैं? परावर्तन कोण को। किसको? परावर्तन कोण को। तो आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और आ रहा है भी। तो दोस्तों मेरा यही था टॉपिक, और आज का जो भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर वीडियो पसंद आया होगा, और यह वीडियो को अगर लाइक आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी करिए आप लोग ऊपर है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और आप लोग इसे बढ़िया समझिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगले वीडियो के लिए हाजिर होऊंगा।